इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे, हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? देखिए, मेरे जाने के लिए मैं यहां का डीजीपी हूं, हमारा देखिए मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जाने की देखिए, आप जो बता रहे हैं इस घटना की जानकारी हमको नहीं है और ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बिहार पुलिस, एक पहला सवाल ये है कि बिहार पुलिस ने क्या आज तक ऐसा कोई एफआईआर दर्ज किया था कि घटना स्थल कहीं और हो और एफआईआर जो है कहीं और दर्ज हो? एक मिनट, अस्थिर मत, अस्थिर से रहिएगा, सबका हो जाएगा। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए, दूर रहिए, बोलिए। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के इतिहास में या फिर बिहार में, आप डीजी हैं इतने सालों से, घटना स्थल कहीं और घटी हो, मौत या फिर किसी और खुदकुशी हो या कोई और कारण हो, कहीं और घटा हो और उसकी एफआईआर दूसरे राज्य में दर्ज की जाती है? बहुत, आपको शायद लीगल प्रोविजन मालूम नहीं है। नहीं, नहीं, जैसे महिलाओं के केस में है, उनको ये लिबर्टी है कि वो कहीं भी प्रताड़ित हो रही हैं, तो उनको कानूनी ये छूट है कि वो कहीं भी अपना मुकदमा दर्ज कर सके। लेकिन वो कहाँ जाता है मुकदमा, वो मुकदमा आखिर कहाँ जाता है? वो इन्वेस्टिगेशन, वो कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो बात ये जो आप प्रकाश जी पूछ रहे हैं, ये मामला, ये आप जुरिस्डिक्शन का पूछ रहे हैं, आपके पूछने का मतलब है कि पटना पुलिस ने प्राथमिकी कैसे दर्ज की, बिहार पुलिस ने एफआईआर कैसे कर लिया। सवाल आपका ये है, इस सवाल का जवाब देने की अब हमको इसलिए जरूरत नहीं है कि इसी आपके सवाल के लिए, इसी मुद्दे पर, इस मामले में एक अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उसमें एक्सपेक्टेड है, तो जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है उस मामले में मेरा बोलना उचित नहीं। अच्छा, मुंबई में, मुंबई जो आपकी पुलिस गई हुई है उसको किस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था, अभी क्या स्थिति है और क्या आपकी किसी वहां के अधिकारी से बात हुई है? देखिए, हम लोग, हमारी टीम वहां पर गई हुई है और हमारे सीनियर एसपी निरंतर अपने काउंटर पार्ट के टच में हैं और कल बहुत अच्छी मुलाकात डीसीपी क्राइम से हमारी टीम की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझको सूचना दी गई है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, उसके बाद वो हमको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेडिको लीगल एविडेंस हैं जो मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया है, उसको हमको सुपुर्द करेंगे। बिहार पुलिस ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है? वो हम बता चुके हैं, बिहार पुलिस ने बिहार पुलिस ने वहां पर अशोक से बात की है, सुशांत के पुराने कुक हैं मितू सिंह, सुशांत की बहन से बात की है, अंकिता लोखंडे से बात की है जो डॉक्टर इलाज करते थे चावड़ा साहब, उनसे बात की है, नीरज नाम जो सुशांत के स्वीपर थे उनसे बात की है, महेश सेठी सुशांत के दोस्त उनसे बात की है। अच्छा, बैंक में भी गई थी पुलिस आपकी? हाँ, गई थी बैंक में भी गई थी और सारे डॉक्यूमेंट उसके। अच्छा, क्या आपसे सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि रिया की गिरफ्तारी कराई जाए? नहीं, हमको उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं जानता हूं उनको, वो हमारे बैचमेट नहीं है, हमसे बहुत जूनियर हैं और हरियाणा का कैडर के पदाधिकारी हैं, कहीं पदस्थापित हैं, मैं उनको जानता हूं। रिया की गिरफ्तारी को लेकर के क्या आपकी? अभी तो इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू स्टेज में, अभी तो यहां बॉटल ने किए है कि ये मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आना है,
अगर सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। हाँ, तो वही सवाल उठता है कि क्या आप लोग किसी तरह का नोटिस वहाँ रिया चक्रवर्ती से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए? अभी हम उनको लोकेट नहीं कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं लोकेट करने की, लेकिन लोकेट उनके घर तक, उनके घर तक नोटिस बहुत अंतिम स्टेज पे। साहब, क्या उनके घर तक पहुंचने की कोई कोशिश आपके बिहार पुलिस? हम इन्वेस्टिगेशन के भीतर की सब बात नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग सुशांत को न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपनी बाजी लगा देंगे, जान कुछ भी छोड़ेंगे। ये आपको हम बता नहीं सकते। हम जो हुई थी उसके आधार पे क्या जांच हो रही है, आरोप सही लग रहे हैं जी? जो एफआईआर हुआ था उसमें तो जांच आगे बढ़ रही है, अभी तक आरोप सही लग रहा है? ये आपका सवाल सही नहीं है कि एफआईआर पढ़ करके आपका एक आरोप सही लग रहा है। हम तो उसी का अनुसंधान कर रहे हैं जो आरोप लगा है। आरोप जो एफआईआर में लगाया जाता है उसी का तो अनुसंधान होता है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिहार पुलिस के जो ऑफिसर्स वहां गए हैं उनके साथ जबरदस्ती उनको ठेलते हुए मुंबई पुलिस दिख रही है, उसके बारे में चर्चा है सोशल मीडिया पर कि उनको टांग के ले गए। देखिए इसका मैं खंडन करता हूँ। मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई दुर्व्यवहार बिहार पुलिस के साथ नहीं किया है। वो वहाँ के डीसीपी क्राइम से बिहार पुलिस के टीम के लोग हमारे मिलने गए थे, बाहर मीडिया के काफी लोग थे। संभवतः मुंबई पुलिस के लोग ये चाहते थे कि हमारी टीम के लोगों का मीडिया के साथ इंटरेक्शन ना हो, इसलिए उनको अपनी गाड़ी में सुरक्षित बिठा करके उनके जहां ठहरने का स्थान है वहां ले जाकर छोड़ दिया। सीबीआई से जांच कराए जाने की बात हो रही है क्या? सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग? वो वीडियो हमने देखा नहीं है, लेकिन मेरी टीम के लोगों से सीनियर एसपी की बात हुई है। टीम के लोगों ने कहा है बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। नहीं, बिहार पुलिस से सीबीआई के द्वारा खुलासे की उम्मीद की जा रही है, लगता है कि सूचना मिलेगी कुछ धमाका होगा। देखिए ये सवाल भी, कोई धमाका करने का इरादा नहीं है यहाँ। धमाका करने के लिए हम लोग बेचैन नहीं है। हमारा दर्द यह है कि सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए, है लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पब्लिक सीबीआई की मांग तो पब्लिक का परसेप्शन जो है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन सर, जनता जो है वो सीबीआई की भी मांग हो रही है। सीबीआई की जनता की सवाल है ना, आप समझिए ना। जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं। तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी थी पुलिस असिस्टेंट के लिए। वहां के गृह राज्य मंत्री हैं शंभू राज, उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, उस पर हमारा नो कमेंट। एक आखिरी सवाल है कि बिहार पुलिस वहां पर जितने भी अफसर गए हुए हैं वो जूनियर ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, क्या यहां से कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या किसी महिला पुलिस की वहां जरूरत है? क्या वहां भेजेंगे? जरूर जाएंगे। कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी भेजे जाएंगे। आप भी जाएंगे क्या?